सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बिहार में जाति आधार पर जनगणना न कराए जाने को लेकर हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे, जातीय जनगणना कराने में उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इन सब सवालों का नीतीश को जवाब देना होगा। विलंब का कारण नहीं बताया तो नीतीश की खाल उधेड़ लूंगा। ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को बलिया में आयोजित सावधान रथ यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी उनकी सहयोगी पार्टी है, बावजूद इसके जातीय जनगणना कराने पर नीतीश विलंब कर रहे हैं, इसका उन्हें हिसाब देना होगा। राजभर ने कहा कि 27 तारीख को सावधान रथ यात्रा का बिहार में समापन हो रहा है, इसी दौरान गांधी मैदान में नीतीश से हिसाब मांगा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी पार्टियां सावधान रथ यात्रा से डर गई हैं। सभी पार्टियों को डर है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर जनता को जगा ना दे। वहीं दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी सावधान यात्रा के समापन पर पटना में शामिल होंगे। इससे एक दिन पहले सादात में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उनके पास वोट की ताकत है जो उन्हें मजबूत बना रही है, इसी के बदौलत वह वर्ष 2024 में दिल्ली तक पीला झंडा लहराएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को पटना में सावधान रथ यात्रा का समापन होगा। इसके बाद राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए लखनऊ में डेरा डालेंगे। राजभर ने कहा है कि बाबा साहेब ने बिजली के बिल को माफ करने की ताकत दी है, क्योंकि उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ बिजली माफ हो सकता है तो घरेलू बिजली बिल क्यों नहीं।